पवित्र पवित्र अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता आगम ज्योति में निवास करने वाले मेरे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आज के प्रभु जी ओ शाम के विलंब प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, तेरे निकट में तेरी हुजूरी में आता हूँ। ओ मेरे महान परमेश्वर पिता हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, ओ सारी सृष्टि के मालिक मेरे महान परमेश्वर पिता, धरती और आकाश को बनाने वाले मेरे प्रभु जी, इस वक्त प्रभु आज के शाम के विलंब प्रभु तेरे पास में प्रभु जी बड़े समर्पण साथ विश्वास के साथ ओ तेरी हुजूरी में आता हूँ, तेरे प्रभु जी पास में आता हूँ। आज हर एक जन प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता प्रभु जी को आज परमेश्वर पिता दुनिया से कहीं भी से प्रार्थना की सुन रहे मेरे परमेश्वर पिता, आज सभी मसीह भवन प्रभु जी मैं एक बार फिर से तेरे पास में लाना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और आज मैं सभी मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज जितने प्रभु तेरे पास में बैठे हैं, जितने प्रभु तेरे निकट में पाए जाते हैं ओ मेरे परमेश्वर पिता, और जहां से भी सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, ओ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ओ चाहे जो भी हो मेरे परमेश्वर पिता, ओ चाहे मेरे परमेश्वर पिता इस दुनिया की कहां से कौन से जहां से भी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे प्रभु जी, ओ गांव से हो चाहे शहर से हो चाहे देहात से हो चाहे कहीं से हो मेरे परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को जहां से भी वो सुन रहा हो वो व्यक्ति, वो मेरे परमेश्वर पिता तेरा जन और यीशु के नाम से आज पिता तो उनको सोने से पहले प्रभु जी ये प्रार्थना को करके सोने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना को प्रभु जी वो बोलकर, ये प्रार्थना को सुनकर और प्रार्थना करके आज विश्राम करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु जी कई बार क्या होता है, कई ऐसे मसीह भाई बहन मेरे प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता जल्दी जल्दी में ओ कई बार जो है थक कर और कई प्रकार की चिंता और कई प्रकार की बोझ को अपने जीवन में अपने मन में और अपने देह में और लाते हैं, और उसके चलते क्या होता है कि अपने जीवन से वो जो है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा पाते, ओ परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते, ओ परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते। लेकिन आज प्रभु से मेरे प्रियो कुछ क्षण प्रभु के लिए समय निकालो, आज 5 मिनट प्रभु के लिए समय निकालो, प्रभु आप उस 5 मिनट में और मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको नया जीवन देगा और आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करके सहायता और मदद करेगा। हालेलुया, रक्तम जयम यीशु के लहू की जय। हे प्रभु जी आज यीशु के नाम से मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने प्रभु तेरे पास में पाए जाते हैं वो जितने प्रभु तेरे निकट में पाए जाते हैं वो सभी जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उद्धारकर्ता मेरे परमेश्वर आज हर एक जन की स्थिति और परिस्थिति बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, पवित्र 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 अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता आगम ज्योति में निवास करने वाला मेरे प्रभु जी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने प्रभु तेरे पास में पाए जाते हैं वो जितने प्रभु तेरे निकट में पाए जाते हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आज प्रभु बदल जाए प्रभु जी उनका वो विश्वास आज प्रभु यीशु के नाम से और भी ओ परमेश्वर पिता तेरे प्रति बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तू उनको संभाल प्रभु, तू उनको चला, तू उनको उठा और आज यीशु के नाम से तुझे वो सच्चे दिल से पुकारने पाए मेरे परमेश्वर पिता। भले ही प्रभु जी वो काम करके प्रभु जी आए हैं और थके हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो उनका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा है, वो घुटने के बल बैठने के लिए जो है उनका मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे प्रिय मसीह भवन आज परमेश्वर 5 मिनट परमेश्वर को समय देंगे तो प्रभु यीशु मसीह ये 5 मिनट को आपके लिए जो है आपके भविष्य के लिए आपकी आत्मा की उन्नति के लिए परमेश्वर आपको जो उठाएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको नया जीवन देगा और परमेश्वर जो है हर क्षेत्र में आपको अगुवाई करके आपको संभालेगा और आपको उठाएगा। इसलिए मैं कहता हूं वो जीवित परमेश्वर आपके संग और साथ में है तो आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन वो परमेश्वर को तहे दिल से पुकार के आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। वो परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, सारी परिस्थिति को बदल देगा, वो नया जीवन देगा और मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जितने प्रभु तेरे पास में पाए जाते हैं वो जितने प्रभु तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं वो सब जन की प्रभु तू प्रार्थना को सुनना और सब जन प्रभु जी आज सोते वक्त पिता कुछ क्षण प्रभु आपके साथ बातचीत कर सके मेरे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जब आज प्रभु ओ आज की शाम की विलंब जब प्रार्थना करें और प्रभु जी उनके शरीर में एक प्रभु जी आनंद और प्रभु जी एक शांति और एक प्रभु जी ओ छुटकारा और प्रभु जी और बोझ और सारे चिंता वो प्रभु आज दूर हो जाने पाए प्रभु जी, कुछ क्षण प्रभु आपसे संगति कर सके पिता, वो कुछ क्षण आपके साथ प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता रिश्ता को मजबूत कर सके मेरे परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना करने के लिए प्रभु उनको उत्साहित करना मेरे परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना में उनको आगे बढ़ाना मेरे
परमेश्वर पिता, आज तू प्रार्थना करने के लिए एक नया मन देना मेरे प्रभु जी, ओ नए सामर्थ देना मेरे परमेश्वर पिता, ओ नया ज्ञान देना मेरे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता जितने आज पिता तेरे पास में बैठे हैं ओ सब जन मसीह यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता तू उनको इस्तेमाल करना और अद्भुत रीति से तू उनको ब्लेस करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, सारे सृष्टि के मालिक, ओ सारे सृष्टि के सृजनहार मेरे महान परमेश्वर पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, योजनाओं को सफल करने वाला मेरे प्रभु जी, आज प्रभु जी आप एक एक जन को आप प्रार्थना में उत्साहित कर रहे हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन जीने के लिए उत्साहित कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आज प्रभु उनको प्रभु जी आज प्रार्थना में उनका मन भी लगने लगा मेरे परमेश्वर पिता, आज एक एक जन प्रभु स्थिति और परिस्थिति उनका बदल नहीं पाए, और मैं विश्वास करता हूँ आज जितने जन आज तेरे पास में बैठे प्रभु जी, चाहे ज्ञानवान हो, चाहे प्रभु जी कोई भी हो परमेश्वर पिता, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे प्रभु जी बलवान हो चाहे ताकतवर हो, ओ जो भी हो परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे प्रभु जी, आज हर एक जन प्रार्थना करने पाए, हर एक जन प्रार्थना संगति में अपने जीवन को जी सके, हर एक जन प्रार्थना योद्धा बनने पाए, और हर एक जन हर क्षेत्र में प्रभु आपको पुकारने पाए, और तहे दिल से आपको धन्यवाद का बलिदान हो चढ़ाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ विश्वास के साथ, आज प्रार्थना करता हूँ कि जितने मसीह भवन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज सभी जन के प्रभु जी आज उनके संग और साथ हो लेना मेरे परमेश्वर पिता, सभी जन के प्रभु जी आज परिस्थिति और स्थिति बदल जाए, प्रभु यीशु तू दया कर, प्रभु यीशु तू मदद कर, प्रभु यीशु मसीह तू उनको चला, प्रभु यीशु मसीह तू उनको उठा, ताकि परमेश्वर पिता सारे परेशानी सारी दिक्कत प्रभु आपके नाम से और आपके परमेश्वर पिता वचन के द्वारा उनके जीवनों से आज तू इस वक्त निकालना मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी जितने परेशानी में है आज, जितने प्रभु तेरे पास में बैठे हुए हैं, वो जितने तेरी हुजूरी में है पिता, सबकी प्रार्थना को तू ग्रहण करना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि राजा दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकारों को तू ना भूल, न कहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे आज कह रहा है हमको उसके एक एक उपकारों को नहीं भूलना है, जितने भी हमारे जीवन में प्रभु ने उपकार किए हैं, तो आपको मेरे प्रभु एक एक उपकारों को याद करके आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि राजा दाऊद कहता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा प्रभु क्या मेरी मिट्टी धन्यवाद करने पाएगी, नहीं मेरे प्रिय मसीह भवन, अभी हमको जब तक हम जिंदा है तब तक हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को खोजना है, प्रभु यीशु मसीह आपके सारी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को आपको जो है मेरे प्रियो सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया, राजाओं की राजा, ओ प्रभु के प्रभु जी, सारे सृष्टि के मालिक मेरे परमेश्वर पिता, आज यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे अंधकार की ताकत, सारे अंधकार की शक्तियां आज तेरे नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि निकल जाए, और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु जरूर आप प्रभु जी सारे अंधकार के कामों को आज उनके जीवनों से आप निकालेंगे और पवित्रता का जीवन देंगे मेरे परमेश्वर पिता। आज शाम के बेला में जबकि जितने लोग आज विश्राम करते हैं प्रभु जी, ओ विश्राम करने में सहायता और मदद करना, जब प्रभु जी वो सोए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु सोने से पहले आज जितने लोग प्रार्थना किए हैं मेरे प्रभु जी, उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके माता पिता, उनके प्रभु जी, ओ प्रभु जी लड़का लड़की बेटा बेटी सबको परमेश्वर पिता आज प्रभु सोने में मीठी नींद देना मेरे परमेश्वर पिता, और सबको प्रभु जी उनके जीवन से, उनके शरीर से सारे थकान को आप दूर करके पिता आज उनको परमेश्वर पिता मीठी नींद देना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज होने दीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता सारे प्रभु जी प्रॉब्लम आज खत्म होने पाए, ओ सारे प्रभु जी प्रॉब्लम आज दूर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, तू बदल दे प्रभु जी, बदल दे मेरे राज्य, ताकि प्रभु जी जितने अंधकार की शक्तियां हैं, जितने अंधकार की गढ़ हैं मेरे परमेश्वर पिता आज वो ढा दिए जाएं, और पिता आज प्रभु यीशु के नाम से सारे मसीह भवन प्रभु आप सोने में मीठी नींद देना मेरे परमेश्वर पिता, और जब भोर के तड़के प्रभु फिर से आप उठें और संगति में बैठे मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रभु आज पिता एक नई ताजगी को प्रभु जी लेकर जाने पाए पिता, क्योंकि हम सदा प्रभु आपके सम्मुख में, सदा आपके प्रभु जी पास में, ओ सदा प्रभु जी हम आपके निकट में, आपकी हुजूरी में बैठकर पिता हम प्रार्थना संगति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमको विश्वास है कि प्रभु आज जरूर मेरे परमेश्वर पिता हमारे परिवार को आप मीठी नींद देंगे, और हमारे परिवार में पिता बुरे आत्मा, बुरे प्रभु जी
बुरे शायर को आपने दूर करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता एक एक जन की प्रभु स्थिति और परिस्थिति बदल जाए प्रभु जी। ओ हर एक चिंता और परेशानी आज शाम के बेला में खत्म हो जाए। ओ सारे प्रभु जी टेंशन खत्म हो जाए। आज निष्कपट और निस्वार्थ मन से प्रभु आज जो प्रार्थना किए हैं सबके प्रभु चिंता दूर हो जाए और सबके प्रभु जी मुसीबत ठीक हो जाए और सबके समस्या निकल जाए और सबकी परेशानी आज खत्म हो जाने होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने प्रभु तेरे पास में बैठे हैं सब जन प्रभु बहुतायत का आशीष देना और प्रभु हर एक जन के मन हृदय सोच विचार बदल जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिंदा खुदावन तू हर एक जन की स्थिति और परिस्थिति को बदल देना मेरे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु आपने बदला है और आज की प्रभु जी शाम के बेला में हर एक जन को मीठी नींद दिया है उसके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद सारी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ। आमेन, आमेन।